हेलो गाइस गाइस, आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। कुछ लोगों के मतलब कुछ लोग हैं, वैसे तो सारे लोग बहुत अच्छे हैं, मगर कुछ निहायती गंदे लोग हैं ना, जो इतने निहायती गंदे लोग हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं। तकरीबन अगर 200 कमेंट्स आते हैं तो 5-7 ऐसे लोग होते हैं जो इतना बेहूदा इतने बकवास कमेंट्स करते हैं कुछ अरे कहने के। गंदे गंदे तरीके से कमेंट्स करते हैं कि बंदा कुछ बोलने लायक नहीं होता है कि क्या बोले क्या ना बोले किसी को। मतलब कम से कम ये सोच के तो, अगर कोई कमेंट्स कर रहा है, कम से कम ये सोच के तो कमेंट्स करो कि आप दूसरों को क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो, ठीक है। तो उस हिसाब से इतने लोग, कुछ लोग हैं गाइस, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, इतने बेकार कमेंट्स करते हैं कुछ कहने के नहीं। तो अब हमने सोच लिया है, आप बताना ज़रूर, जो अच्छे कमेंट्स करेगा हम अच्छे रिप्लाई देंगे। मैं हमेशा अच्छे रिप्लाई देता हूँ, आप मेरे ये कमेंट्स कभी को भी गंदे रिप्लाई करते ही नहीं है बिल्कुल भी। कब, ये सोचते हैं कि चल कोई कुछ लिख रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पर अब हद मतलब से ज्यादा हद होने से से ज़्यादा फिर हो गया, नहीं हो सकता ये सब अब चीजें। हद से ज़्यादा हो गया है। अब आप देख, आप खुद बताना, जो कमेंट्स अच्छा हम करते हैं आप उससे अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो एक बार आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में देख भी लेना, किसी भी वीडियो में देख लेना, आज की वीडियो में नहीं, कल की वीडियो में नहीं, कम से कम 15 दिन पहले, 1 महीने पहले की वीडियो में भी आप देख लेना कितने कमेंट्स। जो भी करता, मैं हमेशा हर कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ और हाथ जोड़कर रिप्लाई करता हूँ, जो भी जैसे कमेंट्स मुझे करता है। मतलब आप, मतलब चाहे मैं सुबह कमेंट रिप्लाई करूं चाहे शाम को रिप्लाई करूं, जब भी मुझे टाइम मिलता है हर किसी का कमेंट्स आता है, मैं रिप्लाई कर देता हूं। और कुछ काफ़ी निहायती गंदे कमेंट्स आते हैं, मतलब बकवास कमेंट्स आते हैं, लोग उल्टा सीधा इतना बोलते हैं, वो मेरे को होता है तो मैं रिमूव कर देता हूँ। तो गाइज मैंने अब सोच लिया ये रिमूव नहीं करूँगा। जो कमेंट्स करेगा उल्टे सीधे कमेंट्स करेगा, उसका स्क्रीनशॉट लूँगा, अपनी वीडियो में डालूँगा, बाकायदा उसका नाम बताऊँगा, और ज़्यादा मुझे उल्टा सीधा लगा तो मैं लीगल एक्शन भी ले सकता हूँ उसके खिलाफ। सीधी सी बात है, ईमेल आईडी से फ़ोन नंबर भी पता लग जाता है, हर चीज़ पता लग जाती है। ये नहीं कि आप किसी को उल्टा सीधे कमेंट्स करोगे और चुपचाप निकल सही जाओगे। बात है, आपको नहीं देखना, ब्लॉक मत देखिए, आपको सब्सक्राइब नहीं करना, मत कीजिए, पर किसी के लिए गलत कमेंट्स करना बिल्कुल गलत बात है। और कुछ लोग गाइस इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, मतलब लोग शॉप पर भी आए वो थे। बिना ब्लॉक देखे रह नहीं सकते। वो सिर्फ इतना कहते थे कि आप मोटिवेशन ऐसी कोई चीज डाल दीजिए कि ताकि हमें पता चले। काफी टाइम से मतलब कमेंट्स आते ही नहीं इतने थे। मैसेज आ रहे थे, 10-12-15 दिन में इतने मैसेज आए हैं कि भैया प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप पर भी आए हैं, शॉप पर भी आया है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, आपके घर के हालात कैसे, आप लोग कैसे हो, हमें खुद को फील हो रहा है, ठीक है। और अभी 2 दिन पहले भी मेरे 25,000 सब्सक्राइबर हो गए थे, अभी भी कमेंट्स आए थे काफ़ी लोगों के, तो भैया आप 25K का सेलिब्रेशन नहीं कर रहे, बहुत अच्छी बात है, आपको करना भी नहीं चाहिए। मैंने कहा अभी नहीं कर रहे हम सेलिब्रेशन, तो आपने ही, तो गाइस हमारा 0 था तब भी आप हमारे साथ थे, 100 थे तब भी आप हमारे साथ थे, हमारे 10,000 थे तब भी आप हमारे साथ थे, आज 25,000 हो गया तो भी आप हमारे साथ हो। कोई मौके होते हैं सेलिब्रेशन करने के, कोई नहीं होते। तो गाइस मेरे पास 2-3 उनके भी आए हैं, कमेंट्स भी आए हैं, और कुछ लोग इतने अच्छे हैं, उन्होंने कहा है तो सर आप सेलिब्रेशन कर रहे नहीं कर रहे तो अच्छी बात है, मगर हमने सेलिब्रेशन किया। हमने सेलिब्रेशन क्या किया है कि हमने कुछ खाना लेके ना गरीबों में हमने बांट दिया, कि हमें इतनी खुशी हुई है कि हमारी फैमिली के, मतलब हमारी फैमिली मेंबर के 25,000 सब्सक्राइबर हो गए, एक बहुत अच्छी खुशी की बात होती है किसी भी सब्सक्राइबर के लिए। तो गाइस तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, और कुछ लोग कहते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम हो हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं, खड़े रहेंगे, और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आती हैं, और कुछ निहायती इतने गंदे लोग हैं, इतने गंदे लोग हैं ना, मतलब दिल दुखी हुआ है तो मैंने ये बोला है, अदरवाइज मेरा हमने बोलने का, कभी ऐसी कमेंट्स बोले ही नहीं है बिल्कुल भी, कभी भी नहीं कुछ बोलते ऐसा आप कभी कि भी, कोई कुछ बोले करे, कुछ ध्यान भी नहीं देते। पर बट इस बार बहुत ज्यादा दिल दुखने वाले कमेंट्स लोगों ने किए हैं तो अच्छे नहीं है अभी मैं बिल्कुल। आपको नाम भी बता रहा हूँ, दो कल वही नहीं कल, नहीं नाम किसी का मतलब कोई बात नहीं, आप देखो उसके बाद कुछ करना, अभी नहीं, अभी छोड़ दो, तो मेरे पास एक क्योंकि मैडम माहौल ही का, कुछ ऐसा है, लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, उनको लगता है कि हम लोग दुखी नहीं है, परेशान नहीं है। कौन कहता है दुखी नहीं है? तो गाइस सारा कुछ होता है काम, एक इंसान को थोड़ा सा गम भुला के थोड़ा सा दूसरी साइड जा रहा है कि, और कुछ लोगों के इतने कमेंट्स आते हैं कि प्लीज़ आप थोड़ा थोड़ा सा ब्लॉग बना के दे दीजिए, बता दीजिए, हमें पता लग जाएगा आप कैसे हो क्या है, मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिए भैया। आप अगर आप ब्लॉग बनाओगे ना, आपका थोड़ा सा माहौल भी चेंज होगा और आपकी थोड़ी सी सोच भी चेंज होगी। हम कोई बाहर घूमने नहीं जा रहे, कुछ अय्याशी नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, सिंपल घर के ब्लॉगिंग कर रहे हैं गाइज, कोई उल्टी सीधी ब्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल जो घर का होता है। अब ये नहीं है ब्लॉगिंग करते हुए हमारा घर ऐसे उल्टा सीधा है, तो उल्टा सीधा है जैसे हम वैसे दिखा देते हैं, हम जो नेचुरल ब्लॉग है वो ही दिखा रहे हैं घर के,
कोई भी उल्टे सीधे ब्लॉग नहीं दिखा रहे, तो अगर कोई उल्टे सीधे कमेंट्स करेगा तो रिप्लाई उसको उस हिसाब से मिलेगा। तो एक बार आप भी ज़रूर करके बताना कि कोई ऐसा निहायती गंदा इंसान होगा जो उल्टे सीधे कमेंट्स करेगा तो उसको रिप्लाई कैसे देना चाहिए, प्लीज़ आप मुझे बताना। और कुछ लोग बहुत अच्छे हैं गाइस, बहुत अच्छे हैं, मतलब इतने ही सपोर्ट किया उन्होंने, इतना सपोर्ट किया कुछ कहने की हद नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादा बहुत सपोर्ट किया मुझे। तो कईयों ने ये भी कहा कि कोई बात नहीं भैया, आपके 25,000 सब्सक्राइबर है ना, कभी 25 लाख भी होंगे, 1 लाख होंगे, 50,000 होंगे, जब आपको मिलेगा तब आप सेलिब्रेशन कर लेना। प्यार देते हैं बहुत, मतलब बहुत प्यार, रास्ते में इतना प्यार मिलता है, बाहर जाते हैं तो इतना प्यार मिलता है, शॉप पे लोग आते हैं तो इतना प्यार मिलता है, कभी कोई मिलता है तो इतना प्यार मिलता है, तभी 25,000 हुए हैं, तभी ऐसे थोड़ी। हाँ, आप लोगों का प्यार मिला तभी तो हम 25,000, हमारी फैमिली हुई है, यूट्यूब फैमिली है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। और गाइज, तो गाइज बस ये वीडियो बनाने का यही मोटिव था हमारा कि जो उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हैं प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा हद में करें, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। हाँ, आपको ये भी बता दूं कि 2 या 3 कमेंट्स ऐसे आए थे जिन्होंने पहले उल्टा सीधा बोला है, उसके बाद वो उन्होंने डिलीट कर दिया, फिर दोबारा कमेंट्स किया कि भैया सॉरी अगर आपको हमारी बात का बुरा लगा हो तो हम आपसे दिल से माफी मांगते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं वो कमेंट्स कर देते हैं पहले जोश जोश में, उनको बाद में रियलाइज होता है कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अगर हमारे साथ होता हमें भी ऐसा लगता है। मैं तो उनको यही कहता हूँ, तुम्हारे साथ होता तुम ऐसे करते, रिप्लाई ऐसे करते। और उन्होंने रिप्लाई करके किया उन्होंने कि भैया हमसे गलती हो गई है, कोई बात नहीं, आपको अगर बुरा लगा हो तो हमें माफ़ कर देना। तो आप देख भी लेना, 3-4 वीडियो पहले भी किसी का कमेंट्स आया था, उन्होंने कमेंट्स किया था तो उन्होंने फिर मुझे बोला था भैया आपका ना दिल दुखा होगा तो सॉरी आगे से हम ऐसे नहीं बोलेंगे, वो गलती से हमने बोल दिया। तो प्लीज़ गाइज आप देख लीजिए और आप मुझे बता देना कि जो बुरा कमेंट्स करे तो उससे बुरा जवाब दे या अच्छा जवाब दे, क्या करे सिर्फ आप ही बता देना। बहुत लोग अच्छे हैं गाइज, बहुत अच्छी फैमिली है हमारी। तो प्लीज़, और हमारी अब मैं आपको ये भी बता दूँ, यूट्यूब की 2nd इनकम आ गई है। तो आप लोगों ने सजेस्ट किया था कि पहले हमें 1st इनकम का हम क्या करें, थोड़ा सा जो हमने लंगर वगैरह किया था, जो भी मतलब इधर मंदिर वगैरह गुरुद्वारे में जो भी दान था हमने दिया था, तो प्लीज़ आप बता देना और मैं कल बताऊंगा हमारी 2nd इनकम कितनी आई है यूट्यूब की। तो गाइज इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं, प्लीज़ इन्फॉर्मेशन यही थी आपके लिए, तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया, थैंक यू।